अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन बीएससी बॉटनी क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फैमिली लेबिएटी, जैसे हम मिंट फैमिली का नाम भी कह देते हैं। आज हम बेसिकली दो फैमिलीज डिस्कस करेंगे, एक मिंट फैमिली लेबिएटी और एक हम फैमिली डिस्कस करेंगे कुकरबिटेसी फैमिली। तो लेबिएटी फैमिली, जिसे हम मिंट फैमिली भी कहते हैं, ऑब्वियसली इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेम्बर है वो मिंट है, पुदीना। इसके अलावा न्याज वो जो है ऑसिमम बेसिलिकम, ये भी इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर है। इसमें भी ज़्यादातर अगर आप देखें तो हर्ब्स ही आती हैं, जिनमें स्टेम मौजूद है, एंगुलर स्टेम है, लीव्स उसके सिंपल होते हैं जो ऑपोजिट डी कसेट पैनल में अरेंज है, यानी कि लीव्स ऑपोजिट अरेंजमेंट शो करते हैं। एक नोड से दो डायरेक्शंस में दो लीव्स अराइज हो रहे होते हैं, लेकिन राइट एंगल बनाते हैं लीव्स। इसके अलावा एरोमेटिक ग्लैंड्स हैं, आपने देखा न्याज वो पुदीने में से बहुत सी एक अच्छी सी स्मेल आ रही होती है, एरोमा होता है, खुशबू होती है, तो वो एरोमेटिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इन्फ्लोरिसेंस इसकी वर्टिसिलास्ट है, ये आपने इन्फ्लोरिसेंस में पढ़ा था, ये कंपाउंड इन्फ्लोरिसेंस है, बेसिकली कंडेंस साइमोज है। कंप्लीट फ्लावर होता है इसका, बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल मौजूद हैं। जाइगोमॉर्फिक यानी एक प्लेन में अगर आप इसके फ्लावर को कट करें तो दो इक्वल पार्ट्स जो हैं वो आपके पास आ जाते हैं। हाइपोगाइनस सिचुएशन है, हाइपोगाइनस का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है, अगेन बाइलेबिएट स्टेमन है, यानी इसमें पेटल फ्यूज हो जाती हैं और वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम कहते हैं बाइलिप स्ट्रक्चर है। डायडाइनमस है, यानी स्टेमन जो है वो यहाँ पर दो लॉन्ग और शॉर्ट अरेंजमेंट में है, इन अ सिंगल वर्ड, दो उसमें से लॉन्ग हैं और दो शॉर्ट हैं, यानी टोटल फोर होंगे स्टेमन्स। एपीपेटलस कंडीशन मैंने आपको कल भी बताई थी कि अगर यही एंथर जो है अटैच हुए हुए हों पेटल्स के साथ तो एपीपेटलस सिचुएशन है। कार्पल्स में यहाँ पर दो ओवरीज मौजूद हैं, दोनों फ्यूज हैं। फ्रूट शिज़ोकार्पिक फ्रूट है, यानी कि ड्राई और वेनिसिडिक फ्रूट है। इसके अलावा यहाँ पर जेनरा आपको दिए हुए हैं, ऑसिमम बेसिलिकम यानी नियाजबो, सेल्विया ऑफिशनैलिस जो है वो एक ट्री है, मेंथा सिल्वेस्ट्रिस यानी पुदीना, ऑसिमम सेंक्टम ये तुलसी का नाम है, ऑसिमम सेंक्टम तुलसी का पौधा जो होता है, और थाइमस जो है वो अजवाइन, आप देखा अजवाइन की भी एक ख़ास किस्म की अरोमा होती है, तो ये सारे जो है वो मिंट फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये इंपॉर्टेंट जेनराज हैं, इंपॉर्टेंट मेम्बर्स हैं उसके। हमने आज जो स्टार्ट करना है मेम्बर वो है ऑसिमम बेसिलिकम, जिसे नियाजबो कहते हैं। बेसिकली हैबिट इसका क्या है, ऑब्वियसली एक एनुअल कल्टिवेटेड एरोमेटिक हर्ब है, और जिसमें से होती है रूट इसकी उसी तरीके से टैप रूट है जो कि ब्रांच्ड है। स्टेम इसका अगेन हर्बेशियस है, जो ऊपर से थोड़ा सा हर्ब लाइक है और नीचे से थोड़ा सा वुडी है, इरेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा हेरी है, ये टर्म्स आप याद कर लें। लीव की अगर हम बात करें तो लीव्स इसके अगेन रामल एंड कॉलन है, एज यू ऑल नो रामल एंड कॉलन का मतलब है कि हर एक ब्रांच के ऊपर भी और हर मेन स्टेम के ऊपर दोनों जगहों पर लीफ अराइज हो रहा है। ऑपोजिट डी कसेट अगेन राइट एंगल के ऊपर है उसकी अरेंजमेंट लीव्स की। एक्सटिप्यूलेट है, स्टिप्यूल एब्सेंट है, पेटियोलेट है, पेटियोल मौजूद है, सिंपल लीव्स हैं। विनेशन की बात करें तो वेन्स यहाँ पर अरेंज हुई हुई हैं रेटिकुलेट यूनिकोस्टेट मैनर में, यानी कि एक मिडरिब है और नेटवर्क ऑफ वेन मौजूद है। हेरी है इसके लीव्स, अगेन जो है वो एरोमेटिक है, यानी एक अरोमा प्रोड्यूस करते हैं। इन्फ्लोरिसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरिसेंस है वर्टिसिलास्टर, वर्टिसिलास्टर एज यू नो कि ये कंपाउंड साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरिसेंस है। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर है ई ब्रैक्टीरियड, यानी इसमें ब्रैक्ट मौजूद नहीं है, पेडिसिलेट यानी पेडिसल अगेन है, इसमें कंप्लीट फ्लावर है, जाइगोमॉर्फिक है कि आप उसको एक प्लेन में डिवाइड करें तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, बायसेक्सुअल है यानी कि दो सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हैं, हाइपोगाइनस सिचुएशन है, हाइपोगाइनस में ओवरी और बाइलेबिएट यानी अगेन बाइलिप स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैलिक्स की बात करें तो फाइव सेपल्स हैं, पांचों आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं गैमोसेपलस, अगेन बाइलेबिएट हैं। इसके अलावा जो है ये अगर उन्होंने बताया भी हुआ कि अपर लिप उसका वन लूप्ड है और नीचे वाले के चार हिस्से हैं, इन्फीरियर है क्योंकि ओवरी सुपीरियर है और वायलेट ग्रीन इन कलर है। करोला की बात करें तो पांच पेटल्स हैं, अगेन बाइलेबिएट ही है, यानी कि लिप बाइलिप स्ट्रक्चर बनाती है, रोटेट है, उसमें भी उन्होंने यही बताया कि अपर लिप जो है वो फोर लूप्ड में डिवाइडेड है और नीचे वाला वन में, यानी ऑपोजिट है, कैलिक्स में ऊपर वाला वन लूप में था,
और नीचे वाला जो है वो फोर पार्ट्स में डिवाइडेड था, फोर लूप था। यहाँ पर ऑपोजिट सिचुएशन है, ये भी इन्फीरियर और पिंक इन कलर है। एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम मेल पार्ट है जिसमें स्टेमन यहाँ पर फोर हैं, डायडेनमस यानी कि दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, उनमें से दो छोटे हैं और दो बड़े हैं। ठीक है, यानी एक ही वर्ल में चार होंगे स्टेमन, लेकिन उनमें से दो बड़े और दो छोटे हैं, ये डायडेनमस है। एपी पेटल्स यानी वो पेटल्स के साथ अटैच हुए हुए हैं। एंथर इसमें वर्सटाइल है, ऑल नो वर्सटाइल का मतलब है कि इसमें जो फिलामेंट है वो एंथर की बैक पर अटैच हुआ हुआ है, और इसमें भी इन्फीरियोरिटी है क्योंकि यहाँ पर अगेन ओवरी सुपीरियर है। गाइनोशियम की बात करें तो बाय कार्पलरी सिन कार्पस सिचुएशन है, दो कार्पल्स हैं, दोनों जुड़े हुए हैं इसलिए सिन कार्पस है। ओवरी अगेन सुपीरियर है, बायलॉकुलर है, बायलॉकुलर मीन दो पार्ट्स में, दो चैम्बर्स में डिवाइडेड है। प्लेसेंटेशन एक्साइल है, ये कहा जाता है कि इसकी ओवरी में फॉल्स सेप्टम क्रिएट हुआ, यानी पहले वो एक ही चैम्बर था, यूनिलॉकुलर थी, लेकिन उसमें बीच में सेप्टम बन गया, वॉल बन गई, क्रॉस वॉल, इसीलिए हम वो फॉल्स सेप्टम कहलाता है जो बाद में बना, इसीलिए हम कहते हैं कि ये बेसिकली बायलॉकुलर है। एक्साइल प्लेसेंटेशन है, स्टिग्मा बाइफिड है, यानी अगेन आगे से टू पार्ट्स में दो ब्रांचेस हो जाती हैं, और हनी सिक्रेटिंग डिस्क है, इसमें से हनी भी सिक्रेट आउट होता है फ्रॉम द बेस। फ्रूट इसमें शीजोकार्पिक यानी मैनी सीडी ड्राई फ्रूट है, सीड इसमें नॉन स्पर्मिक है, एंडोस्पर्मिक, ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक यानी एंडोस्पर्म नहीं होता, जस्ट कॉटिलीडन है और वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक का साइन था, आपने अभी पीछे पढ़ा ऑसमम बेसिलिकम में कि वहाँ पर जाइगोमॉर्फिक सिचुएशन है, तो ये एक एरर है, आप इसको ठीक कर लें। यहाँ पर आप जाइगोमॉर्फिक का साइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। देन हर्मेफ्रोडाइट सिचुएशन, अगेन सेम, आप सर्कल के ऊपर एरो और नीचे लाएंगे, दोनों सेक्सेस मौजूद हैं। कैलेक्स को के से रिप्रेजेंट करेंगे, और कितनी कैलेक्स यहाँ पर 1/4 इसलिए लिखा हुआ है कि आपने पढ़ा कि उसमें ऊपर वाले बाइलिप स्ट्रक्चर हैं, तो ऊपर वाली जो हैं वो जुड़कर एक लूप बना रही है और नीचे वाले चार पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, इसलिए 1/4 लिखा है, और उन्होंने ब्रैकेट लगा दिए, इट मीन ये जुड़ी हुई है। करोला में 4/1 है क्योंकि ऊपर वाले के चार हिस्से, नीचे वाले का एक लूप है, इसलिए वो जुड़े हुए हैं। फिर एंड्रोशियम 2+2 डायडेनमस वाली सिचुएशन है, और आपने देखा ऊपर हमने कर्व मार्क की है, यानी कि ये एपिपेटलस के लिए कैलेक्स और एंड्रोशियम जुड़े हुए हैं। गाइनोशियम सुपीरियर है, हमने गाइनोशियम के नीचे लाइन लगा दी सुपीरियरिटी को शो करने के लिए, दो कार्पल्स हैं, बाई कार्पिलरी सिचुएशन है, और दोनों फ्यूज हैं, सिन कार्पस हैं, तो हमने ब्रैकेट लगाकर इसका फ्लोरल फॉर्मूला बनाया। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें तो ये है हमारे पास ऑसिमम बेसिलिकम का प्लांट, न्याजबो या कॉमनली भी ग्रो किया हुआ होता है, ये आपने देखा हुआ होगा, ये आपने प्लांट की डायग्राम ड्रॉ करनी है ऑन प्रैक्टिकल नोटबुक। फ्लोरल डायग्राम साथ आप ड्रॉ करेंगे ऑसिमम बेसिलिकम की, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं सबसे बाहर मदर एक्सिस है जो सर्कल से शो किया हुआ है, उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो है आपके पास पेटल्स हैं, सॉरी सेपल्स हैं 5 सबसे बाहर, फिर जो ब्लैकिश कलर जिसमें हुआ हुआ है वो 5 पेटल्स हैं, नीचे एंड्रोशियम हैं जो 4 हैं, और ये चारों जुड़े हुए हैं ऊपर पेटल्स के साथ, और सेंटर में जो है वो आपको ओवरी नज़र आ रही है, फॉल्स सेप्टम फॉर्मेशन से ये बायलॉकुलर चैम्बर्स जो हैं वो बन गए हैं इसके, दो चैम्बर्स, ये भी आपने ड्रॉ करना है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें तो बेसिकली फूड इंडस्ट्री में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्यूबर्स ऑफ स्टेकीज हैं वो एडिबल हैं, इसी तरह हम मेंथा के, पुदीना के जो लीव्स वो इस्तेमाल करते हैं, ऑसिमम बेसिलिकम को हम यूज़ करते हैं एज अ कॉन्डिमेंट, मसाला जात के तौर पे चटनी बनाकर इसकी खाई जाती है, पुदीने की और न्याजबो की, तो ये फूड एडिटिव्स फूड में जो है वो बेसिकली इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेडिसिन की बात करें तो बहुत सारी ड्रग्स हम निकालते हैं, जैसे पेपरमिंट है, थाइमोल है, ये मेंथा पेपराइटा से निकाला जाता है, और थाइमस सरफाइलम से, ठीक है, पेपरमिंट जो है वो मेंथा से, जबकि थाइमस से यानी अजवाइन से थाइमोल निकाला जाता है जो एज अ मेडिसिन यूज़ होता है। इसी तरह लीटम के वो आगे वो एज तुलसी, यानी वो एक आपको पता है सेक्रेट प्लांट है, उसकी पूजा करते हैं हिंदू, तो वो भी मेडिसिनली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह ऑसिमम की और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, जो है यहाँ पे कैम्फर काफूर बनाने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है।
इसी तरह से सीड्स ऑसिमम बेसिलिकम के और सेल्विया जिप्टिका के, ये हम पोएटिस फॉर बॉयल, यानी कि ये जो है दलिया वगैरह बनाने के लिए इस तरह से जो है वो उसे यूज़ किया जाता है। परफ्यूम्स की बात करें, परफ्यूम इंडस्ट्री में भी जाहिर सी बात है एरोमेटिक प्लांट्स हैं, तो ऑब्वियसली इनके अरोमा जहाँ पर भी होती है उसे हम ऐसे प्लांट्स को हम यूज़ करते हैं परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर या सोप बनाने के लिए। तो लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट है एयर फ्रेशनर्स में, उसी के अरोमा जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जैसे परफ्यूम में भी सोप में भी। रोजमेरी है एक प्लांट, रोजमेरी ऑयल उसमें से निकाला जाता है। तो ऐसा एरोमेटिक प्लांट्स हैं, थाइमस में से थाइमोल निकाला जाता है, तो ये बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करें तो सेल्विया है, सेज भी इसको कहते हैं हम, उसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं जो हम कल्टीवेट करते हैं फॉर ब्यूटीफुल रेड फ्लावर, जो के सजावट के लिए फिर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह कोलियस है जो कि वेरीगेटेड कलर लीफ होता है। नेक्स्ट हमारे पास फैमिली है जिसे हम कुकरबिटेसी का नाम देते हैं। कुकरबिटेसी फैमिली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 genera, 850 स्पीशीज़ हैं। इसमें वर्ल्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन सब ट्रॉपिकल रीजन्स, इसको मेंबर्स को हम कल्टीवेट करते हैं लाइक कुकरबिटा मैक्सिमा, कद्दू है, लूफा सिलेंड्रिका, घिया तोरी है, सिट्रुलस वल्गैरिस वाटरमेलन है, और ममोडिका करेंशिया जिसे हम करेला कहते हैं। बेसिकली ये सारे हमारे मोस्टली वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं सिवाय वाटरमेलन के, जो एज अ फ्रूट हम यूज़ करते हैं। तो कुकरबिटेसी फैमिली भी हमारे फूड से रेलेवेंट है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिली है, स्पेशली प्रैक्टिकल में वाइवा वॉइस में से बड़े क्वेश्चन किए जाते हैं, इसके मेंबर्स के नाम और ये पूछे जाते हैं। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स की बात करें तो ये भी हर्ब्स हैं बेसिकली। वीक स्टेम, आपने देखा नहीं इसमें टेंड्रिल्स बने होते हैं, कद्दू अगर ग्रो किया हुआ तो उसके लीव्स या उसके वो जो है स्टेम वो मॉडिफाई हो गया, टेंड्रिल में क्लाइंबर हैं, ठीक है, बेलें होती हैं इनकी। तो सिंपल लीव्स हैं, पालमेट टाइप फ्लावर है इसके अंदर जो कि यूनिसेक्सुअल है, एक ही पार्ट होगा उसके अंदर, या मेल होगा या फीमेल होगा, इसलिए यूनिसेक्सुअल है। एपिगाइनस सिचुएशन है, यानी इसमें ओवरी के ऊपर से सारे पार्ट अराइज हो रहे हैं, यानी इसमें ओवरी इन्फीरियर बाकी सारे पार्ट सुपीरियर हैं। 5 कैलेक्स हैं जो यूनाइटेड है, 5 करोला है और वो 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, स्टेमन भी 5 हैं, ट्राई कार्पलरियन 3 कार्पल्स वाली ओवरी है जिसके पार्ट्स जुड़े हुए हैं, सिम कार्पस है, यूनिलोकुलर इन्फीरियर ओवरी है, ठीक है, यहाँ एपिगाइनस से यहाँ पर इन्फीरियर है। इसका मेंबर जो हमने डिस्कस करना है वो है कुकरबिटा मैक्सिमा जिसे हम कद्दू कहते हैं। हैबिट की बात करें तो हमने कहा ये क्लाइंबिंग हर्ब है, बेल होती है बेसिकली, टेंड्रिलर है जिसे हम एडिबल फ्रूट के तौर पे यूज़ करते हैं, इसका जो कद्दू है वो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ऑफिशियली हम इसको फ्रूट ही कहते हैं क्योंकि बेसिकली बोटैनिकली ये फ्रूट है लेकिन हम इसे वेजिटेबल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मोनोइशियस बेरिंग यूनिसेक्सुअल मेल एंड फीमेल फ्लावर है इस प्लांट के अंदर, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर सेपरेट है। स्टेम की बात करें तो इसका स्टेम वीक है क्योंकि ये एक क्लाइंबिंग हर्ब है, हर्बेशियस है, ऑब्वियसली जूसी है, हेरी है। इसके अलावा इसके लीफ की बात करें, रैमल एंड कॉलन है, एक्सटिप्यूलेट स्टिप्यूल एब्सेंट है, पेटियोल मौजूद है उसमें, लॉन्ग पेटियोल है, सिंपल लीव्स हैं, ऑल्टरनेट है अगेन। इसके अलावा रेटिकुलेट विनेशन है, यूनिकोस्टेट और लीफ लैमिना है, यानी उसके पार्ट्स डिवाइडेड हुए हैं, 4 से 7 लूप्स तक हो सकते हैं लीव्स के पार्ट्स, नीचे से बेस जुड़ी हुई होगी लेकिन ऊपर से कट्स होंगे। इनफ्लोरेसेंस की बात कर, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में ये देख भी सकते हैं कि इसमें लूप्स बने हुए हैं, ठीक है, इसके लीव के अंदर। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो इनफ्लोरेसेंस यहाँ पर साइमोज ही है लेकिन वो सॉलिटरी एक्सिलरी हो सकती है। मेल फ्लावर इसमें अलहदा आप डिस्क्राइब करेंगे जिसे हम स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं, इसमें स्टेमन्स मौजूद हैं, यहाँ मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट होंगे। ब्रैक्टीएट है फ्लावर, ब्रैक्ट मौजूद है, पेडिसल भी मौजूद है इसलिए पेडिसलेट कह रहे हैं। फ्लावर इनकम्प्लीट है क्योंकि एक ही मेल पार्ट है, फीमेल एब्सेंट है। पेंटामेरस हर एक के 5 पार्ट है, 5 कैलेक्स, 5 करोला और 5 ही एंड्रोशियम। एक्टिनोमॉर्फिक है, 2 से 1 से ज़्यादा प्लेन में डिवाइड करें तो इक्वल पार्ट्स देता है फ्लावर। यूनिसेक्सुअल अगेन, मेल फ्लावर है, एक ही सेक्स ऑर्गन मौजूद है, स्टेमिनेट है इसलिए। कैलेक्स 5 है, 5ों जुड़ी, दिस टर्म हम उसके लिए यूज़ करते हैं। कंपेनुलेट शेप है, बेल शेप्ड, सुपीरियर है।
करोला भी सुपीरियर है, कंपैनलेट है, पॉलीपेटलस है यानी करोला सेपरेट है, 5 सेपल पेटल्स हैं लेकिन वो सेपरेट हैं। एंड्रोशियम भी 5 हैं लेकिन उनमें से 4 पेयर्स में यूनाइटेड है, एक फ्री है, हम 4+1 लिखेंगे और वो भी सुपीरियर है। गाइनोशियम यहाँ आप एब्सेंट लिखेंगे क्योंकि फ्लावर स्टेमिनेट था। इस तरह पिस्टिलेट फ्लावर है जिसमें फीमेल ऑर्गन मौजूद होगा, यानी कि कार्पल मौजूद होगा। इसमें स्टेमिनेट फ्लावर का फॉर्मूला आप सेपरेट लिखेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले एक टीनोमॉर्फिक है, सर्कल के अंदर प्लस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर हर्मेफ्रोडाइट लिखा है, ये भी एक एरर है, आप इसको ठीक करेंगे। यहाँ पर आप एक ही सेक्स ऑर्गन मेंशन करेंगे, यानी एरो के सर्कल के ऊपर आप एक एरो लगाएंगे, ये मेल का साइन है क्योंकि स्टेमिनेट फ्लावर था, आपने हर्मेफ्रोडाइट नहीं लिखना। कैलेक्स 5 है, ब्रैकेट लगा के हमने फ्यूज़ कर दिया है। करोला भी 5 हैं, वो भी अगेन फ्यूज हैं। एंड्रोशियम हम 4, 1+2+2 भी लिख सकते हैं कि उसमें दो दो ज्वाइन हुए हुए हैं, 2+2, ब्रैकेट लगा देंगे 2 और 2 के इर्द गिर्द, 1 को हम फ्री कर देंगे, उसके गिर्द ब्रैकेट नहीं है। गाइनोशियम यहाँ पर 0 लगा कर दी हमने क्योंकि गाइनोशियम यहाँ पर एबसेंट है। यहाँ पर उन्होंने लाइन नीचे लगाई हुई है जबकि यहाँ पर लाइन ऊपर होनी चाहिए। रीज़न ये है कि यहाँ पर ओवरी जो है वो इन्फीरियर है, ठीक है। वैसे तो आप ना भी लगाएं, गाइनोशियम 0 कर दें कि गाइनोशियम है ही नहीं, लाइन आप पिस्टिलेट फ्लावर के फॉर्मूले में लिखेंगे। फीमेल फ्लावर की बात करें तो उसमें पेडिसलेट है, अगेन पेडिसल मौजूद है, फ्लावर अगेन इनकम्प्लीट है क्योंकि सिर्फ फीमेल पार्ट मौजूद है। पेंटामेरस है, 5-5 ही पार्ट है, क्टीनोमॉर्फिक है, यूनिसेक्शुअल पिस्टिलेट फ्लावर है, एपिगाइनस सिचुएशन है यानी अगेन ओवरी इन्फीरियर है। ये सब कुछ सेम ही होगा, कैलेक्स भी सेम ही होंगे, 5 सेपल्स, गैमोसेपल्स सुपीरियर। करोला भी सेम है, 5 पेटल्स, गैमोपेटलस, कैम्पेनुलेट बेल शेप्ड है और सुपीरियर है। एंड्रोशियम यहाँ पर एब्सेंट है क्योंकि हमने पढ़ा पिस्टिलेट फ्लावर है तो यहाँ एंड्रोशियम एब्सेंट होगा। गाइनोशियम यहाँ पर ट्राईकार्पलर यानी 3 है, सिनकार्पस है, जुड़ी हुई है, ओवरी इन्फीरियर है। यूनिलोकुलर एक ही चैम्बर है और प्लेसेंटेशन पेराइटल है, स्टिग्मा ट्राइलुबडेन या किसी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अभी तक आप बाइफिड पढ़ते हैं 2 पार्ट्स वाला। फ्लोरल फार्मूला अगेन आप लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले सर्कल के अंदर प्लस यानी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, अगेन यहाँ पर गलती है, हर्मेफ्रोडाइट लिखा हुआ है, आपने इसको ठीक कर लेना। आपने सर्कल के नीचे जस्ट प्लस का साइन लगाना, ऊपर एरो नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर है, वो मैंने नीचे मेंशन कर दिया, ठीक है। आपने इस तरह से लिखना है, आपने एरो नहीं ऊपर लगाना। कैलेक्स अगेन 5 हैं, जुड़े हुए हैं, करोला भी 5 और जुड़े हुए हैं। एंड्रोशियम आप यहाँ 0 कर देंगे। गाइनोशियम यहाँ पे 0 आई थिंक 3 लिखा हुआ है, तो आपने ये इस तरह लिखना है, गाइनोशियम 3 हैं, जुड़े हुए हैं, ब्रैकेट लगाकर जोड़ दें। और मैंने जिस तरह लाइन ऊपर मार्क की है कि ये यहाँ ओवरी इन्फीरियर है, इसलिए आप ऊपर लाइन मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये प्लांट की डायग्राम है, कुकरबिटा मैक्सिमा का बेल है, उसके लीव्स हैं जो कि लूप्ड हैं, पाल्मेट्री कंपाउंड लीव्स हैं। तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है प्रैक्टिकल नोटबुक में, और ये दोनों मेल और फीमेल के आपको फ्लोरल डायग्राम दी हुई है, ये आपने दोनों ड्रॉ करनी है। जो मेल होगा उसमें आप सिर्फ एंड्रोशियम ड्रॉ करेंगे और फीमेल में आप ओवरी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ओवरी अंदर ड्रॉ की हुई है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले कुकरबिटेसी फैमिली में हम कहते हैं कि जो हार्ड ड्राइड शेल है, वुडी पेरिकार्प, यानी बाहर से आप पम्पकिन को देख लें, उसके बाहर का जो शेल होता है जैसे हलवा कद्दू है, तो वो काफ़ी जो बाहर की उसकी कवरिंग है वो काफ़ी हार्ड होती है। तो ये सब जो है वो एक्सेलेंट फ्लास्क और इस तरह की जो चीज़ें हैं, वेसल्स या बर्तन यूटेंसिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा दे आर यूज्ड एज अ फ्लोट बाय द फिशरमैन इनको यूज़ करते हैं। फिर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके पाइप्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो स्नेक चार्मर्स हैं, ये वो पर्सन हैं जो कि स्नेक के साथ ट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह सितार है जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तंबूरा है, सरोजा है, ये सारे म्यूजिशियंस इस्तेमाल करते हैं, तो उनके पाइप्स वगैरह इसी से बनाए जाते हैं। फिर ड्राइड बैग लाइक इंटीरियर फ्रूट जो है वेजिटेबल का, जैसे लूफा इजिप्टिका है, लूफा सिलेंड्रिका है, इसके बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, तो वो हम ये लूफा सिलेंड्रिका का ही एक और सिनोनिम है लूफा इजिप्टिका। इसको हम बाथ स्पॉन्ज बनाने के लिए, डिश क्लॉथ बर्तन साफ़ करने के लिए, बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा वेजिटेबल के तौर पे ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल यील्डिंग प्लांट्स हैं इसमें बहुत सारे, आप मेंबर सबके नाम लिख सकते हैं, कुकरबिटा पेपो, मैक्सिमा, लुफा इजिप्टिका, फिर मेमोर्डिका कारेंशिया, वाटरमेलन, ठीक है, ककम्बर, ये सब एडिबल हैं और हम फूड के तौर पे इनका इस्तेमाल करते हैं। डिलीशियस फ्लेवर है इनका। वैक्स कर्ड है जिसे पेठा कहते हैं, वो आपने देखा है बहुत सारी स्वीट्स के ऊपर, और एज अ डिज़र्ट हम उसे पेश करते हैं जर्दे में, और बहुत सारी जो मीठी चीज़ें उनमें ये इस्तेमाल करते हैं, मिठाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, जैसे बहुत सारे इसमें सीड्स और फ्रूट्स हैं, बहुत सारे जो वेजल एग्जैक्ट जो के प्लांट्स पॉइजनस एक मटेरियल सिक्रीट आउट करते हैं, फिर इनमें से ड्रग्स निकाली जाती हैं, कोलोसिंथीडीज हैं एक ड्रग, ठीक है, और बहुत सारी हैं, आप एक पेशे को याद कर लें, मेडिसिनली यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्लांट्स के सीड्स को हम यूज़ कर रहे थे, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कुछ स्पीशीज, जैसे कुकरबिटा की कुछ स्पीशीज जिनके सीड्स को समर सीज़न में हम सरदाई बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सरदाई आपने देखा है मोस्ट कॉमनली जो है वो सेल हो रही होती है, तो ये कोल्ड ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा मसाज करने के लिए ऑयल भी इनसे निकाला जाता है, जो एज अ ब्रेन टॉनिक यानी दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए हम सर पर ऑयल लगाते हैं, उसका मसाज करते हैं। इसी तरह वाइन्स जो हैं, ये जो बेलें हैं, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पर भी ग्रो करवाई जाती हैं कुछ प्लांट्स की, ठीक है, सजावट के तौर पर। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने दो फैमिलीज डिस्कस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली जो हम घरों में इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे बहुत सारे मेंबर, एक मिंट फैमिली थी लेबिएटी और दूसरी कुकरबिटेसी फैमिली थी जो हमारी फूड फैमिली है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, प्रैक्टिकल नोटबुक पर इन्हें ड्रॉ भी कर लेना है, और कुकरबिटेसी फैमिली स्पेसिफिकली अच्छे तरीके से आपने याद भी कर लेनी है। थैंक यू सो मच, इसको अच्छे तरीके से याद कर लें।